Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you all are fine. Today we are going to start lecture number three of English Grade Three. First of all, you have to open your planner. You have to mention date and day and first two blocks of week number two. Now you have to move at book page number eighty-five for reading. First, you have to mention date and day at the top of the page. The unit name is the pound of butter. पौंड होता है तकरीबन एक किलो होता है ठीक है और ऑफ बटर मक्खन का जो होता है टॉपिक हमारे पास द पौंड ऑफ बटर बटर मक्खन को कहते हैं पौंड होता है तकरीबन आधा किलो जो होता है हमारे पास आप स्टार्टर देख लेते हैं स्टोरी का यहाँ पे हमारे पास कुछ चीज पिक्चर्स गिवन है हमने यहाँ से देखे उन पिक्चर्स के यहाँ पे नाम लिख लेने हैं ठीक है फर्स्ट वन इज बैलेंस नेक्स्ट वन इज पैकेट थर्ड वन इज स्केल्स वेट्स लोफ और उसका एक फॉर्म होता, होता है कहाँ पे होता है टाउन के करीब होता है लिटिल टाउन नियर द लिटिल टाउन ऑफ प्लेसविला के पास एक टाउन होता है कस्बा होता है वहां पे वो फार्मर विन का वहां पे फार्म होता है द पीपल ऑफ विल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मर विंस्टन फॉर देयर मिल्क बटर एंड चीज जो वहां के लोग होते हैं प्लेस के वो क्या करते हैं उस फार्मर के ऊपर डिपेंड करते हैं किस किन किन चीजों के लिए उस फार्मर पर डिपेंड करते हैं दूध के लिए मक्खन के लिए या और चीज के लिए चीज को कहते पनीर को कहते हैं ठीक है तो प्लेन विला के जो लोग थे वो ये सब चीज़ें दूध मक्खन और पनीर वगैरह किससे लेते थे मिस्टर विंस्टन से लेते थे अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होता है आ, मि आ, इवन मिस्टर कार्सन द बेकर अब जो मिस्टर कार्सन तो बेकर थे जिनकी अपनी बेकरी शॉप थी तो वो वो भी उनसे चीज़ें लेते थे द बेकर ब्रॉड सप्लाइज फ्रॉम फार्मर विंस्टन जो बेकर थे मिस्टर कार्सन वो भी अपनी चीज़ें किससे लेते थे मिस्टर विंस्टन से लेते थे एवरी मॉनिंग फार्मर विंस्टन ड्रोव अप टू द बेकरी एंड डिलीवर्ड द डे सप्लाई जो हर रोज जो मिस्टर जो फार्मर थे मिस्टर विंस्टन हर रोज़ बेकरी के पास जाते और उनकी जो चीज़ें थी ना दिन की रोज़ की जित डिमांड थी उनकी मिस्टर मिस्टर कार्सन की जितनी डिमांड थी उतनी उनको चीज़ें रोज रोज़ाना दे के जाते थे फ्रेश चीज़ें होती थी रोज़ाना ठीक है मिल्क केम इन लार्ज मेटल कैंस कैंस जो मिल्क था जो दूध था वो बड़े बड़े मेटल के कैंस होते थे उनमें आता था देर वर लार्ज राउंड ब्लॉक्स ऑफ क्रीमी चीज और वहाँ पर क्या आता था बड़े बड़े ब्लॉक्स के क्रीम चीज के बने हुए बड़े बड़े ब्लॉक्स वो ले के आते थे साथ अपने द गोल्डन बटर केम इन वन पाउंड पैकेट्स शेप्ड लाइक ब्रिक्स और जो गोल्डन बटर था जो गोल्डन कलर का मक्खन था वो बड़े से एक पाउंड के पैकेट के अंदर आता था और वो ऐसे लगता था जैसे ईंटें बनी हुई इतना इस तरह इस तरह की फॉर्म होती थी उसकी बटर की उतना अच्छा लग रहा होता था तो उस पौंड क्या होता है हमारे पास फिफ्टी होता है फिफ्टी ग्राम्स का जो चीज़ होती है हमारे पास उसको पौंड बोलते हैं ठीक है हाफ ऑफ किलो आधा किलो के बराबर तकरीबन आधा किलो के बराबर होता है ये जो होता है वेट करने का आला होता है कि ये भी कितना होता है चा, चार सौ पचास ग्राम का होता है मीन्स कि आधा किलो से थोड़ा सा कम होता है अब देखते अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास कि एक फार्मर है जिसका नाम मिस्टर विंस्टन है और वो कहाँ पे रहते हैं प्लेन जिला के करीब एक टाउन है वहाँ पे रहते हैं और वो उनका का उनका काम क्या है उनका काम है मक्खन दूध और जो चीज़ वगैरह वो चीज़ें बेचना और प्लेन से के जो लोग थे वो सारे चीज़ें उनसे लेते थे उन फार्मर से लेते थे इवन जो वहाँ का जो बेकर था वो भी उनसे वो चीज़ें सब लेता था मिस्टर कार्सन वाज अ गुड बेकर जो मिस्टर कार्सन से वो बहुत अच्छे बेकर थे हिज केक्स द लाइटेस्ट इन टाउन एंड द ब्रेड वास डिलीशियस जो मिस्टर कार्सन के जो केक और थे ना वो ब्रेड वो बहुत वहाँ पे फेमस थे उनके टाउन के अंदर और बहुत मज़ेदार होते थे डिलीशियस मीन मज़ेदार मिस्टर कारसन इन्जॉयड हिज वर्क जो मिस्टर कारसन थे उनको अपना काम करते हैं बहुत खुशी महसूस होती थी वो बहुत खुशी से अपना काम करते थे बट दिस मॉर्निंग मिस्टर कार्सन वाज फ्रॉनिंग लेकिन इस सुबह एक सुबह क्या हुआ जो मिस्टर कार्सन को था गुस्सा आ रहा था और गुस्से से उनकी जो भवें होती हैं वो जुड़ जुड़ रही थी ठीक है ये देखा आईब्रोज हमारी नज़र आ रही है यहाँ पर वो जुड़ जुड़ती हुई दिखाई दे रही है जब हम किसी चीज़ को हैरानी से देखते हैं ठीक है अब वो वसा उनको क्यों आ रहा है उनको हैरानी किस बात पे हो रही है देर वार समथिंग रॉन्ग कुछ चीज़ गलत हो रही थी उनके साथ ही कुड नॉट अंडरस्टैंड इट लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है ही यूज द सेम अमाउंट ऑफ एवरी थिंग बटर शुगर एग्स एंड फ्लोर उन्होंने सेम अमाउंट यूज़ की थी केक बनाने के लिए क्या 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 क्या, क्या चीज़ें थी वो हमारे उनके पास बटर शुगर एग्स और आटा जो था फ्लोर उन्होंने सेम क्वानिटी यूज़ की थी जैसे रोज बनाते थे के, केक उसी तरह की चीज़ उन्होंने रोज़ाना की तरह यूज़ की थी बट द केक्स वर नॉट द सेम लेकिन जो केक्स थे उनकी शक्ल उस तरह की नहीं थी ठीक है कुछ कुछ इशू आ रहा था ना उनका टेस्ट उसी तरह आ रहा था ना ही वो केक सही तरह बेक हो रहा था और मिस्टर कारसन को समझ नहीं आ रही थी कि मिस्टेक कहाँ पे हो रही है मूव एट पेज नंबर एटी सेवन अब देखते हैं कि वहाँ पे उनके साथ क्या होता है मिस्टर कार्सन बिगेन टू गेट सस्पिशियस मिस्टर कार्सन को वहम होना शुरू हो गया कि उन के जो मसला है वो कहाँ पे आ रहा है मिल्क वगैरह के अंदर आ रहा है या बटर के अंदर आ रहा है बटर के अंदर उनको लगा कि इशू आ रहा है इट वाज द बटर उनको समझ आ गई थी कि बटर इशू कर रहा है सस्पिशियस होना किसी चीज़ के बारे में वहम होना कि ये चीज़ ऐसी है और ऐसी हो रही है मेरे साथ ही वाज श्योर ऑफ इट उनको यकीन था कि बटर के अंदर ही फॉल्ट है he was sure that the bricks of butter that farmer winston delivered were not the correct weight. they did not weigh a pound each. ठीक है अब मिस्टर जो कार्सन थे उनको पूरा यकीन था कि उन्होंने जो उनको जो बटर मिला है वो क्या है बटर की जो क्वालिटी गलत दी गई है किसने गलत दी है मिस्टर जो फार्मर था विंस्टन वो अब मिस्टर कार्सन को लग रहा है कि मिस्टर विंस्टन जो है जो विंस्टन फार्मर है वो उस जो बटर की सेम अमाउंट नहीं दे रहा है वो कम अमाउंट दे रहा है या फिर ज्यादा कम अमाउंट दे रहा है जिसकी वजह से उनके केक खराब हो रहे हैं ठीक है दे डिड नॉट वेट अपाउंड मीन्स कि आप बता रहे हैं कि वो उनका जो जो वेट है वो पाउंड नहीं है बहुत कम है ही डिसाइडेड टू फाउंड टू फाइंड आउट उन्होंने डिसाइड किया कि उन्होंने फैसला किया कि अब इस मसले को सॉल्व करते हैं For several days soon after Farmer Winston delivered the supplies, Mr. Carson weighed the butter on his scales. ठीक है कुछ दिनों के बाद जब मिस्टर जो फार्मर विंस्टन था वो अगेन लेके आया चीज़ें देने के लिए बेकरी पे तो मिस्टर कार्सन ने क्या किया उन चीज़ों का वेट किया अपने स्केल के ऊपर स्केल होता है चीज़ें नापने का अला ठीक है ठीक है यहाँ पे मैंने देखा कि मिस्टर कार्सन को थोड़ा सा लग रहा है कि मिस्टर जो फार्मर विंस्टन है मुझे बटर कम दे रहा है ठीक है अब उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इन चीज़ों को मापूंगा कि कम दे रहा है या पूरी चीज़ें दे रहे हैं जस्ट एज सी टॉट ईच ब्रिक वेटेड लेस देन पाउंड उन जैसे मिस्टर कार्सन ने सोचा था कि यहाँ उनकी क्वांटिटी कम है लेकिन जब उन्होंने वेट किया तब भी उनको यकीन आ गया कि क्वालिटी उन चीज़ों की कम ही थी मिस्टर कार्सन वाज़ वेरी एंग्री अब मिस्टर कार्सन को गुस्सा आ रहा है कि मैं पैसे पैसे तो पूरे दे रहा हूँ पेमेंट तो मैं पूरी कर रहा हूँ लेकिन चीज़ें चीज़ों की क्वान्टिटी कम आ रही है और मेरी जो चीज़ें हैं वो खराब भी हो रही हैं केक भी सही, बे, सही बेक नहीं हो रहा नो वांडर हिज केक्स वर नॉट टर्निंग आउट राइट अब इस, इस बात में किसी किस्म का शाह यहाँ नहीं था कि उनके केक खराब होना शुरू हो गए हैं ही कंप्लेन टू द पुलिस एंड दे अरेस्टेड द फार्मर फॉर चीटिंग ठीक है अब उन्होंने पुलिस में कम्प्लेंट की शिकायत की और पुलिस ने मिस्टर जो थे हमारे पास मिस्टर जो फार्मर थे फार्मर मिनिस्ट्रेंट उनको गिरफ्तार कर लिया धोखा देने पे एट द ट्रायल जब अदालत ट्रायल होता है अदालत में सवाल जवाब पूछते हैं जवाब से द जज टर्न टू फार्मर विंस्टन एंड सैड द बेकर सेज दैट यू हैव सोल्ड हिम बटर दैट इज नॉट द करेक्ट वेट डू यू हैव हैविंग स्केल एट होम ठीक है अब जब वो वहां पे अदालत में खड़े हुए हैं कोर्ट्स में खड़े हुए हैं मिस्टर फार्मर विंस्टन तब वो जज उनसे पूछ रहा है कि मिस्टर जो विंस्टन है जो मिस्टर कार्सन है वो उनका कहना है कि आप उनको जो बटर है बहुत कम मकदार में दे रहे हैं क्या आपके पास वेट करने का स्केल नहीं है आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपके पास वेट करने का स्केल नहीं है जो आप कम देते हैं तो अब वो जो मिस्टर जो फार्मर विंस्टन है अब वो जवाब क्या देता है नो योर आनर रिप्लाइड द फार्मर अ फार्मर कहता है नहीं मेरे पास वेट करने का स्केल नहीं है योर आनर कहते हैं जब हम जब अदालत में बात कर रहे होते हैं ना जज को तमीज से बात करने बुलाने का जो तरीका होता है ऐसे बोलते हैं योर आनर बोलते हैं उनको ठीक है अब अब जज वो अब जो है फार्मर उनको बता रहा है जज को कि मेरे पास चीज़ों को स्केल करने का वो जो होती है ना क्वान्टी जो स्केल होता है वो मेरे पास नहीं है देन हाउ डू यू वेट द बटर सेल आज द जज जज पूछ रहा है कि फिर आप बटर को कैसे बेचते हैं फार्मर मिनस रिप्लाइड अब जो फार्मर रिप्लाई करा है अब ध्यान से सुने यहाँ से आई कैन एक्सप्लेन देट योर अंदर में योर अंदर मैं आपको ये बात एक्सप्लेन कर सकता हूँ कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ आई यूज़ अ बैलेंस बट माई लिटल सन लॉस द वेट्स एफ्टर प्लेइंग विद डैम कहता है मेरे से पहले जो बैलेंस होता था वो यूज़ करता था बट अब क्या हुआ मेरे छोटे बेटे ने खेलते हुए वो उसको बैलेंस को गुम कर दिया उस जो जो जिस स्केल से उस चीज़ों को नापता था वो उस छोटे बेटे ने गुम कर दिया सो नाओ वेन आई वॉन्ट टू वेट द बटर आई यूज अ वन पाउंड लोफ आ ब्रेड डेट आई बाई फ्राम मिस्टर कार्सन आप देखिए आप ध्यान से सुनो इस बात को बेटा कि अब वो मिस्टर जो थे जो फार्मर है फार्मर रिप्लाई किया कि अब मैं जब मुझे चीज़ों को नापना होता है तब जो मिस्टर कार्सन के पास से मैं बट लेके आता हूँ ब्रेड लेके आता हूँ लोफ ऑफ ब्रेड ठीक है जो लेके आता हूँ उससे मैं नाप लेता हूँ तो अब उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टोरी एंड हो होगी इससे हमें क्या पता चलता है कि जो मिस्टर कार्सन थे वो खुद चीट कर रहे थे लोगों को ठीक है चीटिंग वो खुद कर रहे थे लेकिन जो ब्लेम किस पे कर रहे थे मिस्टर जो फार्मर विंस्टेंट था उसको ब्लेम कर रहे थे कि वो चीज़ें मुझे सही सही क्वालिटी में नहीं दे रहे स्टूडेंट्स हम लोग भी ऐसे ही करते हैं ना गलती हमारी अपनी होती है और उन चीज़ों का ब्लेम हम दूसरे लोगों को दे रहे होते हैं सेम काम उन्होंने मिस्टर जो कार्सन थे उन्होंने किया उनको उन्हों ख़ुद नहीं पता था कि मैं खुद चीज़ों को क्वांटिटी कौन, कम दे रहा हूँ लेकिन ब्लेम उन्होंने लगाया किस पे फार्मर विंस्टन पे लगाया ठीक है स्टूडेंट्स इसको ध्यान से पढ़िएगा और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर कीजिएगा और नोटबुक के ऊपर आपने लिखना है फिर ये